ऐसा तो कितनी ज्यादा गर्मी हो रखी है फ्रैंकलिन भैया फ्रैंकलिन भैया उठ जाओ कितनी ज्यादा गर्मी हो रखी है अबे क्या होगा सोने दे बाहर चल के देखो तूफान आ रहा है तूफान बाहर तो धूप निकली हुई है कौन सा तूफान आ रहा है गर्मियों का तूफान आ रहा है बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है अब तो गर्मी हो रही है तो अंदर बैठ जा ना मुझे तो सोने दे ऐनी व्यक्ति में एक बार बाहर तो चलो अरे ये तो बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रखी है अंदर भागो ऐसी कुछ तो करो का गर्मी तो सही में बहुत ही ज्यादा परेशान करिए बहुत ही ज्यादा गर्मी हो रखी है

में काम आएगा इसमें बहुत सारी लकड़ियाँ बहुत सारी मशीने और बहुत सारी चीजें वाटर स्लाइड बनाने के लिए अरे मेरे साथ कब खेलोगे अरे दीदी हम अपने पति के साथ खेलो ना मेरे साथ क्यों खेलना है आपको तो सर अभी हम आ चुके घर पे सारा का सारा सामान लेके शिचे भी पूरा सामान लेके आ चुका है और हम यहाँ से बनाने वाले हैं मस्सी वाटर स्लाइड मैं सोच रहा हूँ यहाँ से एंगल रखते हैं यहाँ से बड़ी सी जाएगी फिर सीधा अपन जंप करेंगे इस पूल के अंदर और बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है चलो चलो कर सकते हो कर सकते हो अब शिनच काम कर

जब तक में में था। मैं साइड में ओके मैं बर्फ लेके आता हूं हूँ सिंगम को भी लेके आऊंगा तो गाइस चला गया बर्फ लेने और हमने काम कर दिया अपनी वाटर स्लाइड पे फटाफट इसको बना और मजे करेंगे अरे मैं आ चुका हूं यहां पे बर्फ लेने यहां पे अंकल है वो बहुत ही मीठी मीठी बर्फ देते हैं अंकल मैं आ गया और सिंह इतने दिनों बाद देखे कहां गए थे अरे अंकल मैं तो देरी था मुझे बहुत सारी बर्फ चाहिए अरे बताओ बताओ मैं तो बर्फ ही बेच रहा हूं कितनी बर्फ चाहिए अरे अंकल इतनी चाहिए कि पूरा पूरा स्विमिंग पूल भर जाए ओके okay, बच्चे लाओ एक मिलियन डॉलर अंकल क्यों मजाक कर रहे हा, 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 हो करो सिंह तुम्हें हमेशा पता चल जाता है मैं मजाक कर रहा आओ रखवाए तुम्हारी गाड़ी पर तो जर, मुझे यहाँ पे बर्फ मिल चुकी है इन अंकल ने मुझे सौ रूपए में इतनी सारी बर्फ दी दी इनको लेके चलते घर पे और अपने साथ लेटर सिंगम को भी लेके चलेंगे और बल्ले बल्ले शावा पियो पियो आ चुके हैं तो सिंगम चलो चलो मेरे घर पे आज स्विमिंग पूल पार्टी करेंगे क्या स्विमिंग पूल पार्टी अरे मजा आएगा आइसक्रीम होगी क्या वहाँ पर अरे आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक सब कसम होगा चलो चलो मजे आएंगे अबे तेरे लिटिल सिंगम मुझे बिना बताए कहाँ जा रहे अरे बाबा सॉरी बाबा सॉरी बाबा मुझे छोड़ दो अरे अंकल को छोड़ दो मुझे बिना बताओ जाएगा ये ले ये ले ए -ए मैं लेडी सिंह को अपने घर पे लेके जा रहा हूँ ले जाओ ले जाओ मुझे कोई दिक्कत नहीं है अरे उसको तो मारा क्यों अरे लेके जाओ मैं तुम कोई मारूंगा ओके अंकल बाय बाय तो गाइस बायर अभी को अपने साथ रख लिए वो थोड़ा सा बेहोश हो गए कोई बात नहीं उसको पानी में डाल के ठीक कर देंगे चलो चलो मजा आएंगे स्विमिंग पूल में लाएंगे फैकी में बर्फ आ गई फैकी में बाहर आओ अरे सिंचन आगे आ गया तो सिंह हमारी बर्फ लेके आ चुका है एक सेकंड लेडी सिंह यहाँ पे कुछ हो रहा है में सोनी रही बेहोश हो गया क्या गर्मी के कारण बेहोश हो गया अरे फैकी में गर्मी के कारण नहीं उसकी मैंने इसको इतना मारा हो गया क्या इसके पापा ने मारा चल कोई बात नहीं इसको बर्फ भी ज्यादा मजा आने वाला तो पूर है बर्फ डालने के बाद हमारा मस्त है स्लाइड भी रेडी है स्विमिंग पूल के अंदर कूदने के लिए यहाँ से सबको जाना है और यहाँ तक जाएंगे और सीधा मारेंगे पानी में जम और आएगा बहुत ही ज्यादा मजा गिर गया मैं तो ये तो बहुत ही ठंडा पानी है

हा हा मेरा बच्चा भी तुम्हारे स्विमिंग पूल में आना चाहता है तो तुम ये घर खाली करो आज से ये घर हमारा है और स्विमिंग पूल भी अरे नहीं ऐसा नहीं कर सकते ये घर मेरा है और स्विमिंग पूल भी पापा मेरे बच्चे को रुला नहीं सकते बाहर निकलो यहाँ पापा मैं तो चाह रहा पानी के अंदर ये पानी तो बहुत ही अच्छा है हाँ हा, बच्चे तुझे अच्छा लगा मतलब बहुत अच्छा है अरे अंकल गोली मार दूंगा अरे सर, इन्होंने तो से निकाल दिया। अरे, करेंगे? अरे मुझे हमारे क्या क्या घर से हम कोई निकाल दिया। पता कौन से हमेंगे मुझे बहुत ही गर्मी लग रही है अरे मुझे आइसक्रीम खानी है अरे तुमको आइसक्रीम की लगी पड़ी है अभी हम घर से बाहर निकल चुके हैं अरे अंकल क्या हो गया अभी क्या हो गया बच्चे मेरी बात जो मुझे अंदर जाने दो मुझे वो अंडे चाहिए ए, अंकल निकल जा से। अरे ढंग से बात नहीं करना आती क्या बताओ अंकल क्या हो गया अरे ये मुझे अंदर ही नहीं जाने दे रहे मेरा अंडा अंदर है क्या आपका अंडा अंकल आप टेंशन मत लो मैं आपको अंदर भेजूंगा मुझे मारेगा इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा ये लटक ले मैं छोड़ूंगा क्या करें अरे मारो इन सबको किसी को नहीं छोड़ेंगे मारो। मारो। आखिरी टकले को भी मारते हैं ये लेने सर अभी हमने सबको यहां पे मार दिया बाबा जी आप अंदर जा सकते हो और मेरे बच्चे इतनी मदद करिए तो अंडा भी ला दो अंदर वो फैक्ट्री में है ओके अंकल आप टेंशन मत लो मैं आपका अंडा ला के देता हूँ चलो कहीं फटाफट से अंकल का अंडा इनको ला के इतने सारे लोगों को मारना पड़ा है कहाँ पर है अंडा ये तो लावा फैक्ट्री है कितना सारा लावा यहाँ पे सा खतरनाक सा चमक रहा है एक सेकेंड उसके ऊपर तो लावा गिर रहा है अरे अंकल कौन सा अंडा मांग रहे हैं ये लावा वाला अंडा इनको कुछ अरे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्या कूचा ये बहुत ही गर्म हो सकता है अरे अबे ये तो बहुत ही गर्म है पागो, पागो। अरे भाई ये तो बहुत ही ज्यादा गर्म था पर एक सेकंड मैं जला क्यों नहीं इस लावा से ये क्या हुआ पहली बार मैंने देखा कि मैं लावा से जला नहीं हूँ ये लो अंकल आपका अंडा आ गया मेरे बच्चे बहुत शुक्रिया रख दे संडे को हाँ। अरे क्या हो रहा है मेरे बच्चे तुमने मेरी मदद करी संडे को पाने के लिए मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा। बोलो क्या चाहिए तुम्हें अरे अंकल कौन सी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहे है? लाल हो लाल लाल क्यों रखे और ये चूहे कैसे बन गए बच्चे मैं 800 साल से एक चूहा हूँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए अरे आप बोल तो ऐसे हो मेरी कुछ भी इच्छा पूरी कर दोगे कुछ भी कर दूंगा तो मुझे पांच सुपर कार चाहिए कैसे ये, 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 ये आई तो कुछ भी नहीं था खतरनाक खतरना गाड़िया कैसे आई अरे अंकल आप सही में जादू कर दो क्या बच्चे मेरे पास टाइम कम है बताओ और क्या क्या चाहिए अंकल मैं बता दू मैं बताता हूँ मुझे चाहिए एक चॉकलेट एक आइसक्रीम एक बारबिटोल मतलब के लिए और मुझे चाहिए एक गाड़ी एक हेलीकॉप्टर एक बोट और मुझे दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान बनना है ये लो मेरे बच्चे। फ्रैंकलिन को तो कैसे उसके घर से बाहर निकाल दिया हा, हा, हा। तुमने क्या सोचा था इतनी आसानी से हार मान लेगा नहीं और फ्रैंकलिन ये, ये सारी आर्मी कहां से लेके आए ये आर्मी नहीं ये सारे मेरे लोग हैं और हम तैयार हैं तुमको मारने के लिए तो क्या सारे के सारे टैंक तैयार हो थ्री टू अरे वन बोलने से पहले ही मार दिया कोई बात नहीं तो पे सभी गुंडों को मार दिया हमारे खतरनाक से टैंक ने और हमें वापस हमारा स्विमिंग पूल और हमारा घर मिल चुका है तो काजर ये लोग आए थे हमारा घर हड़पने पर हमने इनको ही मार दिया ये सभी के सभी पानी में गिर चुके मेरा पूल गंदा कर दिया पर कोई बात नहीं इस पूल को तो हम साफ कर देंगे